हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल क्रिकेट न्यूज़ एफ के। तो आज की मैच में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिफ्थ T20 मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की फुल मैच एनालिसिस लाया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको मैच में ड्रीम इलेवन टीम जो आप खेल रही है मैच, इसमें आपको मैं गिव अवे भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो गिव अवे के लिए बीच में वीडियो में बने रहे, मैं उसमें एक क्वेश्चन करूँगा, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, और जो भी बंदे जीतेंगे उन्हें मैं 100 रुपीज़ का पेटीएम कैश रिवॉर्ड्स दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप एक चैनल को पकड़ के चले ताकि आप हर मैच में जीत सको, ठीक है। तो आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मैच है वो फिफ्थ T20 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मैच है। इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया 2021 चल रही है, ओके। उसके बाद आइए इन्फो में देख लेते हैं। तो मैच नंबर फिफ्थ होगी इंग्लैंड इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया 2021 की। ये जो मैच होगी ये आपकी 20 मार्च को मैच खेली जाएगी, ठीक है। 20 मार्च को ये मैच खेली जाएगी। टाइम जो कि वो 7 बजे होगी। वेन्यू फिर से दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, रेफरी जवाहरलाल श्रीनाथ में होगी, ओके। वेन्यू गाइड देख ले तो वेन्यू गाइड किस टाइप की है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्टेडियम के जो नाम है, सिटी अहमदाबाद है। 1,32,000 यहाँ पर कैपेसिटी है, बट ये जो मैच है ड्यू टू कोरोना के चलते, कोरोना के कारण यहाँ पे पब्लिक नहीं होंगे, बट नॉट अवेलेबल इन दिस। यहाँ पे जो एंड की बात करें तो वो अडानी पवेलियन एंड NGMDC एंड है, ठीक है। होस्ट कर रही है गुजरात में ये है, ठीक है। अब आइए पिच रिपोर्ट की बात कर ले तो यहाँ पे अब तक 4 मैच खेली गई है। 4 मैच में बैटिंग फर्स्ट करने वाली ने 1 बार जीती है, और बैटिंग सेकेंड करने वाली 3 बार जीती है, ठीक है। T20 डोमेस्टिक की बात करें तो टोटल मैच प्लेड अब तक 12 मैच हुई है, जिसमें बैटिंग फर्स्ट 6 बार एंड बैटिंग सेकेंड 5 बार, और मैच 1 बार टाई हुई है। एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग कर ले तो 150 रन 1 बार यहाँ पे फर्स्ट इनिंग के एवरेज जो स्कोर है वो 150 है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 201 पे 6 है, और लोएस्ट स्कोर 102 पे 10 है। स्कोरिंग पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सही है, स्कोरिंग पैटर्न किस टाइप का यहाँ पे रन बनता है। तो बिलो स्कोर 150 4 बार, 150 से 170 के बीच में 7 बार, 170 से 180 189 के बीच 4 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पे 2 बार बनी है दोस्तों, ठीक है। अब आइए पेस विकेट और स्पिन विकेट की बात कर ले तो लगभग यहाँ पे पेस विकेट ज़्यादा बेटर है स्पिन विकेट के मुताबिक, ठीक है। तो अब पेस विकेट अच्छा है ज़्यादा, यहाँ पे पेस विकेट आगे अच्छे हैं और स्पिन विकेट के मुताबिक, ओके। तो इस पर ध्यान देंगे। अब टॉप प्लेयर एट दिस वेन्यू की बात कर ले तो विराट कोहली जो है 2 मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की है। विराट कोहली अच्छे यहाँ पे खेल रहे हैं, जॉस बटलर भी अच्छे खेले हैं, जैसन रॉय का फॉर्म भी इस पे अच्छे है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, जो कि कॉन्सिस्टेंस प्लेयर है। ये लोग जितने हैं ये 5 बैटिंग में आप ड्रीम इलेवन टीम में इनको पिक कर सकते हैं, मतलब इनको आप पिक करिए ही करिए, ठीक है। आगे बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, मार्क वुड है, आदिल रशीद है इंग्लैंड की तरफ से, इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर एंड भुवनेश्वर कुमार, तो ये 5 बेस्ट बॉलर हैं। अब इंडिया और इंग्लैंड की हेड टू हेड की बात करें तब तक इन लोगों के बीच में रिसेंटली 10 मैच खेली गई है, जिसमें इंडिया ने 6 मैच जीता और इंग्लैंड ने 4 मैच जीता है। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो फर्स्ट जो T20 हुई थी उसमें जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 23 रन दे करके 3 विकेट झटके थे, और ये मैन ऑफ द मैच बने थे। फर्स्ट T20 इंडिया जो है वो मैच को हार गई थी, क्योंकि इंडिया 124 रन पे 7 विकेट बनाई थी, और इंग्लैंड ने ये मैच को 15 ओवर 3 बॉल में ही जीत लिया 130 रन बना के। इंग्लैंड 1/8 विकेट्स। सेकेंड T20 की बात करें तो इंग्लैंड 164 रन बना करके 165 का इंडिया को टारगेट दिया, और इंडिया ने ये स्कोर को 17.5 ओवर में ही ये स्कोर को चेस करके आसानी से मैच को जीत लिया, और ईशान किशन मैन ऑफ द मैच बने। थर्ड T20 जो है वो इंडिया 155 बना पाया, और 156 का स्कोर इंग्लैंड को दिए थे, जिसे इंग्लैंड की टीम ने 18.2 ओवर में ही मैच को जीत लिया, जिसमें जॉस बटलर ने काफ़ी अच्छा मैच खेला और मैन ऑफ द मैच भी बने थे। फोर्थ T20 में इंडिया ने 185 रन पे 8 विकेट खो करके 20 ओवर में 185 रन पे 8 विकेट खोया, और 186 का टारगेट दिया। मैच अभी चल रही है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इंडिया ये मैच जीतेगी, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको प्रेडिक्शन करके बताया भी था कि इंडिया मैच जीतेगी और टॉस इंग्लैंड जीतेगी, और वीडियो एकदम सही गई। अब आइए जो नेक्स्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 रख ले तो KL राहुल ये मैच में फिर से खेलते हुए नजर आएंगे हम लोग को, रोहित शर्मा खेलेंगे, विराट कोहली खेलेंगे, श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे ही, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, तो आपको ज़्यादा चेंजेस देखने नहीं मिलेगी। सूर्य कुमार यादव, भुवनेश्वर कुमार, राहुल चहर एंड दीपक चहर अगले मैच में खेल सकते हैं, और अगर ये नहीं खेले तो फिर इनके जगह पर के आपके जो है राहुल चहर और दीपक चहर को तो उम्मीद करते हैं कि खेल सकते हैं, और अगर दीपक चहर नहीं खेले तो फिर शार्दुल ठाकुर ही मैच में आपको नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि दीपक चहर खेलेंगे। प्रीवियस बैटिंग परफॉर्मेंस कर ले तो शिखर धवन को 1 मैच में मौका मिला, 4 रन बनाए थे, उसके बाद ये नॉट अवेलेबल है मैच में,
केएल राहुल 1 रन 0-0 फिर 14 रन बनाए। रोहित शर्मा 2 मैच में 15 और 12, ये भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव को आज पहला मैच डेब्यू करने का मौका मिला जिन्होंने 57 रन बनाए। विराट कोहली 2 मैच में 0 और ये मैच में 1 रन बनाए और 2 मैच में 73 और 77 बनाए थे। ठीक है, श्रेयस अय्यर की बात करें तो ये नॉट आउट रहे थे, फिर थर्ड मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, फिर आज के मैच में बहुत तेज 37 रन बनाए। ऋषभ पंत की बात करें तो ये हर मैच में कंसिस्टेंट 21, 26, 25, 30 और ये मिडिल ऑर्डर में कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या भी 2 मैच में 19, 17 और बैटिंग नहीं उतरे थे, आज भी कुछ 11, 12 रन बना पाए, कुछ खास नहीं कर पाए। बॉलिंग की बात करें तो आज राहुल चहर ने 1 विकेट स्टार्टिंग में, जॉस बटलर की राहुल चहर ने अच्छा विकेट झटका, डेविड मिलान की, फिर वाशिंगटन सुंदर ने भी विकेट लिया, एक विकेट। भुवनेश्वर कुमार ने बस 2 मैच में 1-1 विकेट लिया, एक में लिया भी नहीं। शार्दुल ठाकुर ने पहला मैच में 2 विकेट लिए थे। अगर आप टीम इंग्लैंड की बात करें तो जैसन रॉय फिर से आपको देखने को मिलेंगे, जॉश बटलर, डेविड मिलान, जॉनी बैरस्ट्रो, बेन स्टोक्स, यॉन मोर्गन, सैम क्यूरन, क्रिस जॉर्डन, ये सब आपको अवेलेबल मिलेंगे। मार्कवुड काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर के साथ में, तो ये दोनों आपके जो बेस्ट पिक जो होंगे ड्रीम इलेवन के वो होंगे। आदिल रशीद भी आज अच्छा फेंके हैं, ये हमेशा बेस्ट स्पिनर में आते हैं, तो आप इनको भी लेना भूले नहीं। अब इंग्लैंड की जो बैटिंग परफॉर्मेंस था तो वो देख लीजिए, जैसन रॉय 49, 46, 9, 40, तो ये इनको आप हर टीम में रखिए अगर ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग के लिए बेस्ट प्लेयर है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। जॉस बटलर है 28-0, फिर थर्ड मैच में ये 83 रन बना करके मैन ऑफ द मैच बने थे। डेविड मिलान इस बार अच्छा नहीं कर रहे तो आप इन्हें छोड़ देंगे, जॉनी बैरस्ट्रो को भी आप छोड़ देंगे, यॉन मोर्गन मिडिल ऑर्डर के लिए सही है, बेन स्टोक्स भी सही है। बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर बेस्ट पिक, आज भी इन्होंने 3 विकेट लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मार्कवुड बेस्ट ऑप्शन, उसके बाद सैम क्यूरन को उतना सही नहीं है, आदिल रशीद को भी आप छोड़ सकते हैं, बेन स्टोक्स आपका ऑलराउंडर, कैच ये सब भी अच्छा लेता है, जिन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा तो आप इसे टीम में रख सकते हैं। क्रिस जॉर्डन को आप यहाँ पे छोड़ देंगे। अब की प्लेयर की बात करें तो रोहित शर्मा नेक्स्ट मैच के लिए, क्योंकि ये डिसाइडेबल मैच होगा, तो रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव इंडिया की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से जॉस बटलर, जैसन रॉय, जोफ्रा आर्चर। नेक्स्ट मैच की अगर मैं बात कर लूँ तो टॉस विनर जो होगी वो इंडिया होगी और मैच विनर भी इंडिया होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब द चैनल।